आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन में दिया है कि अ स्ट्रिंग विद वन एंड फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। देखो 2 मीटर की डिस्टेंस है ये फिक्स्ड स्ट्रिंग को, एक फिक्स वॉल से हमने फिक्स करके रखा है और ये पॉइंट मास कैपिटल एम है जिसका मास है 2 kg, अटैच टू इट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर की डिस्टेंस से अटैच है। अ मास ऑफ 0.5 kg इज अटैच टू द फ्री एंड, और 0.5 kg का एक मास यहाँ पर हमें अटैच करके रखा है। द सिस्टम इज इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट सो दैट स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन वॉल एंड पुली एंड वर्टिकल बियॉन्ड द पुली एंड स्टोन। ठीक है, व्हाट विल बी द स्पीड विथ विच पॉइंट मास एम विल हिट द वॉल। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझो, हो क्या रहा होगा। ये जो सी होगा, सी ये वॉल को ऐसे आके हिट कर रहा होगा, और जब वॉल को मान लो किसी वेलोसिटी वी से हिट कर रहा है, जब किसी वेलोसिटी वी से हिट कर रहा होगा तो स्ट्रिंग क्योंकि टॉट रहेगी, तो इसका स्ट्रिंग के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसी वेलोसिटी से ये ऊपर मूव कर रहा होगा, यानी कि वी कॉस थीटा से एक स्मॉल एम का मास मूव कर रहा होगा। और अगर ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √5। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस ब्लॉक का ऊपर x, वो कितना हो जाएगा, √5 - 1, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो टोटल डिस्टेंस रही होगी, अभी √5 है ये टोटल डिस्टेंस, और पहले यहाँ से ये 1 डिस्टेंस पर था, समझ गए। तो ये पहले 1 डिस्टेंस पर था, अब √5 डिस्टेंस पर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इतना डिस्टेंस ये x मूव किया होगा, ये ब्लॉक स्मॉल m का ब्लॉक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, यानी कि जितना पोटेंशियल एनर्जी ये कैपिटल एम का मास लॉस किया होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन की होगी, प्लस इसको काइनेटिक एनर्जी मिली होगी, प्लस इसको काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। तुम्हारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल एम इंटू इसने कितने मीटर नीचे आया, 1, तो कैपिटल एम इंटू जी इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू कैपिटल एम की वेलोसिटी यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का स्मॉल m की वेलोसिटी हाफ स्मॉल m कितनी वेलोसिटी v cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस का इसकी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले ये mgx हो जाएगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mgx कितना है, √5 - 1। अब हमें देखो यहाँ पर क्या क्या पता है, कैपिटल m की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है 2, तो कैपिटल m हो जाएगा 2 kg, स्मॉल m की वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी बता के रखा है 0.5 kg, कॉस थीटा हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ऊपर जो हमको इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन से आप कॉस थीटा पता करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2/√5। आप इन सबको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 × g की वैल्यू 10 हाफ m इंटू कैपिटल m की वैल्यू कितना है 2, तो 2 × v स्क्वायर हमको निकालना है प्लस का हाफ स्मॉल m की वैल्यू 1/2 इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 4/5 प्लस का 1/2 स्मॉल m की वैल्यू g की वैल्यू 10 इंटू √5 - 1। ठीक है, तो यहाँ पर से जब आपको सिर्फ अब v ही पता करना है, एकमात्र नून आपका क्या है, v है, तो ये हो जाएगा 20 = v² प्लस का 4 से 4 खत्म v² / 5 प्लस का 5 × √5 - 1। ओवरऑल जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.39 m/s। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल सा था, हमको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा तो हम सीधा से एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे और उसमें या वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, WET, तो सेम ही है वर्क एनर्जी थ्योरम, तो उसका यूज करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसमें कि ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है और कॉन्स्टेंट का भी यूज किया गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।